हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मातृ छाया जीएस एकेडमी। मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृ छाया जीएस एकेडमी में। हम फ्रेंड्स, हमने जैसा कि कहा था कि आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फर्टिलाइजेशन या बात करेंगे निषेचन की, ठीक है। अब ये जो क्लासे अपलोड हो रही है लगातार, इसका मतलब आप ये मत जानिए कि हम मजे के लिए कर रहे हैं या इंटरटेनमेंट के लिए मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। ये जो क्लासे हैं, मैं कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ी सी जानकारी के लिए है और दूसरी चीज जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं हम उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करने के लिए सब कर रहा हूँ। आप कहीं ना कहीं अगर जो बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ये टॉपिक है, ठीक है, ये मादा जनन अंग का टॉपिक, ठीक है, उस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बात ये करें कि इसको कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत जानकारी होगी, जागरूक भी होगा, ठीक है। तो हमको एग्जाम की दृष्टि से देखना है। अगर जो आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और कोई भी कमी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि आज अपना टॉपिक, जो मेरा टॉपिक है आज है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या होता है, कहाँ संपन्न होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है एक ईमेल का जो है प्राइवेट पार्ट का बना हुआ है, ठीक है। प्राइवेट पार्ट आप समझ ही गए होंगे, ज्यादा मुझे डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। और अगर जो गर्ल्स देख रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो मेल देख रहे हैं अगर जो आपने देखा है तो ठीक है, अगर जो आपके सबने ही देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आने वाले समय में आप देखेंगे, ठीक है। बस ये एंटरटेनमेंट नहीं, पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसमें प्राइवेट पार्ट है। अब प्राइवेट पार्ट में सबसे नीचे की अगर हम बात करें तो इसमें दो, आप देखेंगे नीछे तो दो छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, तो दोनों जो है पासी पासी होते हैं, ठीक है। एक ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो यूथ्रा कहेंगे। यूथ्रा का काम ये है कि ब्लैडर, आपने पढ़ा होगा कि कल की वाली क्लास में ब्लैडर, ब्लैडर की गड्ढे से यूथ्रा जो है नली लगी हुई है, ये जाके मूत्र मार्ग, मतलब जब लेडीज कोई बाथरूम करती है तो बाथरूम किस क्षेत्र से करेगी, तो ऊपर वाले क्षेत्र से करेगी, ठीक है। ये लेडीज का पार्ट है जहां से वो बाथरूम करती है, ठीक है, लिखा हुआ मूत्र मार्ग और यूथ्रा, ठीक है। अब इसके नीचे वाला क्षेत्र ये है कि यहाँ से सेक्स की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। इसे वैगनाल कहते हैं, ये यूनि क्षेत्र कहते हैं, ये लिखा हुआ है यूनि क्षेत्र या वैगनाल, ठीक है। अब इसमें जो होता है कि ये मतलब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप जानते हैं कि ये यूनि क्षेत्र है, यहाँ से सेक्स की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसके आसपास जो देखा होगा तो आपने कभी सुना होगा कि झिल्ली होती है, ठीक है। झिल्ली कहे या इसे सी कहते हैं, कि कहते हैं कि पहली बार सेक्स करने से टूट जाती है, ठीक है। अगर ये सील नहीं टूटती है, कभी कभार ज्यादा मजबूत होती है, पहली बार सेक्स करने से नहीं होती। अभी किस चीज की बनी होती है, तो ये फैट की बनी होती है। मैंने शायद लास्ट क्लास में प्रोटीन भी बताया, प्रोटीन भी नहीं है, फैट की बनी होती है, ठीक है। फैट की बनी होती है, चारों तरफ होती है, ठीक है। फैट की होती है, एक बात करें कि ये फैट की होती है और पैसी मतलब कैसी चमड़ी टाइप की होती है, ठीक है, मुलायम चमड़ी होती है, फैट की बनी होती है। पहली बार सेक्स करते हैं वो टूट जाती है, ठीक है, टूट जाती है, ब्लड निकलता है, ठीक है, एक बार टूट जाने के बाद। अब बात करें कि कभी कभार अगर जो आप कहें, कमेंट करें कि कभी कभार हमने पहली बार सेक्स किया नहीं टूटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो पहली बार हो चुका। आजकल की जो ईमेल है थोड़ा एडवांस है, बात करें कि वो इस समय पे जिम भी कर रही हैं, साइकिलिंग कर रही हैं, योगा कर रही हैं, थोड़ा अपनी बॉडी को जो है पहले से वो काम कर रही है, तो इसके लिए वो कभी कभार ऐसा होता है कि टूट जाती है, और कभी एक बार ज्यादा मजबूत होती है कि पहली बार सेक्स करने से भी टूटती है, ठीक है। तो इसका जो मात्र यूत्रा का मतलब है, ये मूत्र मार्ग है जहां से मूत्र आता है, ठीक है, और दूसरा जो नीचे क्षेत्र होगा उसे वैगनाल कहते हैं, यूनि क्षेत्र, यहीं से जो है मतलब सेक्स की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब यहां से जो ये जो डॉट डॉट जो ये बना हुआ है, तो यहां से स्पर्म जाता है, ठीक है, यूनि से स्पर्म जाता है, तो ये जो कहां जाएगा, तो ये फैलोपियन ट्यूब में बहेगा,
ठीक है, पहले जो काम करेगा तो ये फ्यूकिन ट्यूब में शुक्राणु जाएगा, ठीक है, ये लिखा भी हुआ शुक्राणु लिखा है। तो यहां से जो है सेक्स की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और शुक्राणु जाते हैं। अब ये शुक्राणु क्या होंगे कि ओविड में बात करें तो ये जो मैंने तीन परतें आपको बताई कि पिछली क्लास में तो एंडोमेट्रम लिखा है तो एमसी होती है, ठीक है, एमसी आती है, ठीक है, हर एमसी जो है 28 दिन में आती है, 4 दिन तक रहती है, पिछली क्लास में से डिटेल से देख सकते हैं। तो ये तीनों परत टूटती है, आप ये तीन परत लिखी है, ये अलग अलग, ये प्राइमरी है, ये मिड वाली है और ये एंडोमेट्रम, ये जो है लास्ट वाली, ठीक है। अब ये तीनों परतें टूटने के बाद जो एमसी आती है, ठीक है, यहां से एमसी आएगी और ओविड से हर महीने एक अंडा रिलीज होता है, ठीक है, यहां से अंडा रिलीज होगा और यहां से स्पर्म जा रहा है तो अंडा और ओविड जाके मिल जाएगा। तो देखो ये फैलोपियन ट्यूब में ये सब जो प्रक्रिया हो रही है, अब इस साइड लिखा हुआ कि जब जब स्पर्म जो है ओवरी स्पर्म जो है अंडे से जाके मिल जाएगा तो ये किस चीज का निर्माण करेगा, ये जायगोट करेगा, ठीक है। जायगोट क्या है, ये भ्रूण है, भ्रूण है। अब भ्रूण की बात करें ये वो प्रक्रिया है जहां से एक बच्चा बनने की स्टार्टिंग हो, ठीक है। अब यहाँ से ओवी और ये मिला हुआ है, ठीक है, आप इसे समझ लीजिए, यहाँ भी है एक अंडा रिलीज होता है, यहाँ आता है, यहाँ से भी आता है, लेफ्ट एंड राइट दो ओवी हैं, कभी कभार लेफ्ट से अंडा आता है, कभी कभार राइट से आता है, और कभी कभार ऐसा होता है लेफ्ट एंड राइट दोनों से आ जाता है, ठीक है। तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और कभी कभार भाई बहन होते हैं या भाई भाई या बहन बहन, ठीक, उसकी बात जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और वो भी कंप्लीट है, पीडीएफ उसकी साइड हो सके आपको मिल जाए। तो अब यहाँ से आपको यहाँ तक पता चला कि यहाँ से सेक्स की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और स्पर्म जो है जाके टहलेगा, टहलेगा तो जाके किससे मिलेगा, अंडा से मिलेगा और ये जायगोट का निर्माण कर देगा, ठीक है। अब बात करें ये सब हो गया, अब अगर जो बात करें कि इसकी संपन्न कहां हो, सेक्स की प्रक्रिया यूनि से स्टार्ट हुई और संपन्न कहां होगी, विडक्टम में होगी, ठीक है, ये ओविडक्ट लिखा है, ओविडक्ट लिखा है, फैलोपियन ट्यूब लिखा है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का मतलब है अंडा वाहिनी, अंडा यहाँ आएगा, यहाँ रुका रहेगा, शुक्राणु से जाके मिल जाएगा और यही जायगोट का निर्माण होगा, दोनों तरफ एक जैसे फंक्शन है, ठीक है। तो ओविडेक्ट लिखा है, ओविडेक्ट का मतलब होता है अंडा वाहिनी, मतलब जो अंडे को बहा के ले जाए, ठीक है। तो यहाँ जो है सेक्स की प्रक्रिया, विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है, स्टार्ट लिखा है, ठीक है, ये एमसी है जो आती है। जब ये जायगोट बन जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब में अगर जो आप नहीं चाह रहे तो 72 घंटे तक आपके पास टाइम है, आप इसे जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या डिस्पोज कर सकते हैं, नहीं चाह रहे तो भी 72 घंटे। अब बात करें 72 घंटे से ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला जो जायगोट है जाके चला जाएगा यूटेरस, मतलब गर्भाशय में, ठीक, गर्भाशय में आएगा और जाके ये कहां चिपक जाएगा, एंडोमेट्रियम में जाके चिपक जाएगा, ठीक है, जो एमसी जहां से आ रही थी वहीं पे जाके ये जायगोट चिपक जाएगा। तो अब क्या होगा कि एमसी का आना बंद कर देगा, ठीक है। अब कहीं आप ये बात करें कहीं छेद्र है, अब उस छेद्र में आप जाके मसाला भर दें तो वो तो बंद हो जाएगा ना पानी आना, तो ऐसे ही है ये पहली परत में जाके जायगोट लग जाएगा। अब बात करते हैं कि तीनों परतें बंद होगी ना, ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे तीनों, तो पहली सप्ताह में एक होती है, दूसरी सप्ताह में दो होती है, तीसरी सप्ताह में तीनों परतें धीरे धीरे बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो है 7 दिन बाद में कहते हैं जायगोट कंप्लीट होता है, ये 72 घंटे का तो मौका है, इसके बाद में कंप्लीट होता है और 3 सप्ताह में ये जो तीनों परतें बंद हो जाती है, इसीलिए कहते हैं कि एक गर्भ धारण वाली स्त्री को एमसी नहीं आती, ठीक है। अब आपको यहाँ तक पता चले, ज्यादा स्पीड से पढ़ा नहीं रहा हूं, अगर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ये आपकी यहाँ तक बात हो गई। अब बात यही से करते हैं कि अगर जो कभी आप चाहें कि हमको नसबंदी क्या हो, ईमेल की नसबंदी क्या हो, तो ईमेल की नसबंदी ये है कि फैलोपियन ट्यूब है, अब ये फैलोपियन ट्यूब है, अगर इसी को काट दिया जाए, आप यहां समझिए, देखो ये फैलोपियन ट्यूब यहां भी है वहां भी, अगर इस ट्यूब को ही काट देंगे तो
ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, इस प्रक्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अब जब फ्यूटल ट्यूब ही कट गया अंडा ही नहीं आएगा, तो आप चाहे जितना सेक्स करें कोई इमेज जो है मां नहीं बन सकती, ठीक है। आपको ये पता है कि जब ये ही बंद हो गया तो यहाँ से जब फ्यूटल ट्यूब ही कट जाएगा तो अंडा आएगा ही नहीं, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया नसबंदी क्या है। अब इसके बाद में ये यूटेरस है, ठीक है, ये तो सब कुछ हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि जब गर्भ सा ही नहीं रहेगा, यूटेरस ट्यूब नहीं है, अगर नसबंदी नहीं करवाना तो आप कभी कभार बच्चा दानी ही बाहर करवा सकते। जब ये गर्भ सा ही नहीं रहेगा, यूटेरस ही पूरा निकाले फेंक देंगे तो बच्चा बनेगा, जब बच्चा दानी नहीं तो बच्चा नहीं बनेगा। कहते हैं कि पूलम देवी, एक आपने चंबल की डाकू का नाम सुना होगा पूलम देवी, तो पूलम देवी की जब ज्यादा तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर जो है यूटेरस ही बाहर निकाल के फेंक देते, तो जब बच्चा दानी ही नहीं रहेगी तो पूलम देवी ने शादी तो की लेकिन माँ ही नहीं बनी, ठीक है। तो ये आप जान सकते हैं, ठीक है, यूटेरस का निकाल जाना, ठीक है। अब जैसे ये ट्यूबेक्टोमी है और यूटेरस का निकल जाना क्या है, तो इससे क्या कहते हैं, तो बिसोटोमी जो है फीमेल की है, ये ट्यूबेक्टोमी है, इसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, आप उसे देख लीजिए, ठीक है। यूटेरस का निकाल लेना और यहाँ पे जो ग्लूटेन ट्यूब का बंद कर देना, ठीक है, ये सब हो गया। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन जो होता है बाहर होता है, ये तो सेक्स करके बच्चा पैदा करना है। एक ये होता है कि अगर जो आपकी फीमेल जो है उसमें कमी है या मेल में कुछ कमी है तो क्या करेंगे, आईवीएफ का आपने नाम सुना होगा, आईवीएफ के बारे में एक पूरी क्लास है जो आपको नेक्स्ट में मिलेगी। इसमें क्या करते हैं कि माँ के क्रोमोसोम को या गुणसूत्र को और पिता के गुणसूत्र को बाहर निकाल के ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद इसको लिखा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड, मतलब बाहरी सेक्स करवा के फिर यूटेरस में जाके किसी स्त्री के जाके रखना, ठीक है। अब ये क्यों प्रक्रिया अपनाई जाती है इसकी हम क्लास पूरी डिटेल से है, तो इसकी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक दोबारा रिपीट कर दूं, हमने जो फर्टिलाइजेशन आज स्टार्ट किया है और उसमें जो स्टार्ट किया है कि सबसे पहले ये प्राइवेट पार्ट है, और प्राइवेट पार्ट में नीचे की तरफ देखेंगे तो दो क्षेत्र पाए जाएंगे। पहला क्षेत्र है जो मूत्र मार्ग है, ये यूटेरस यूट्रा कहा जाता है, ब्लैडर से जुड़ा होता है, और नीचे जो देखेंगे तो वैगिनाल है, ये से यूनि क्षेत्र कहते हैं जहाँ पे सेक्स की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। संपन्न कहाँ होती है, तो फ्यूटल ट्यूब में, मतलब अंडा वाहिनी में जाके संपन्न हो जाती है, ठीक है, विडक्ट में जाके संपन्न। ये हाइमेन का है, हाइमेन एक झिल्ली है, जो झिल्ली किसकी बनी होती है, तो फैट की बनी होती है, और इसे कहते हैं झिल्ली, इसे को सील कहते हैं, जो पहली बार सेक्स करने से टूटती है या किसी अन्य कारण से भी टूट जाती है। अब ये गड्ढा भी है जहाँ पे जाके शुक्राणु जाके रुकते हैं, जायगोड भी मिलते हैं। जायगोड वो है जो माँ की बात करें तो अंडा और पिता का स्पर्म, माँ का अंडा और पिता के स्पर्म दोनों जाके मिल जाते हैं तो जायगोड बनते हैं। और 72 घंटे तक आप इसे नहीं चाहे तो आप इसे खत्म कर सकते हैं, नहीं तो 72 घंटे के बाद यूटेरस में जाके मिल जाता है। और फ्यूटल ट्यूब को काट दिया जाए तो इसे नसबंदी कहते हैं, जो ट्यूबेक्टोमी है, ठीक है। कभी कभार यूटेरस को ही निकाल के बाहर कर दिया जाता है, इसका भी ऑपरेशन होता है। ये यहाँ तक हमने जो है बात कर ली, अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। बात कर रहे हैं कि जायगोड क्या, ऊपर तो मैंने आपको बता दिया, अगर जो आप नहीं समझ पाए तो दोबारा आपको बता, ठीक है। जायगोड क्या है, तो जायगोड ये है कि इसे भ्रूण कहते हैं। अब भ्रूण का मतलब ये है कि पहली स्टेज जहां पे बच्चा जो है बनने की स्टार्टिंग होती है, सेक्स खत्म होने के बाद जो पहली प्रक्रिया होती है तो भ्रूण बनता है।
या जायगोट। जायगोट कैसे बनेगा? तो फीमेल का स्पर्म ठीक और मां का अंडा एक दोनों आके जब मिल जाते हैं तो इसे जायगोट कहते हैं या इसे भ्रूण कहते हैं। ठीक है, निषेचन के बाद 72 घंटे तक जायगोट को जो है ओविडक्ट में रखते हैं। ठीक है, ओविडक्ट ये है कि अंडावाहिनी में रहते हैं। 72 घंटे तक जायगोट कहां पर रहता है? तो ओविडक्ट या अंडावाहिनी में रहता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर क्या होता है? यूटेरस में या गर्भाशय में चला जाता है। ठीक है, 72 घंटे तक आपके पास मौका है गलती सुधारने। ठीक है, तो बात की बात। ठीक है, फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन ऊपर के लिए थोड़ा सा। ये जायगोट आपको पता चल गया, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक आपने देखा होगा ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को मैं बात करूं कि इसे अंडा कहते हैं। ठीक है, जब एक ओवरी से निकला हुआ अंडा और ये जो शुक्राणु XY फीमेल में दो प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं, एक एक्स होता है एक वाई। ठीक है, इंग्लिश में गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र जो पाए जाते हैं दो प्रकार के मेल में, वो होंगे एक्स और वाई, और मादा में केवल एक्स ही पाए जाते हैं। तो अगर जो बात करें कि शुक्राणु है अंडे से जाके मिलेगा, तो ऐसा होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि 1 ग्राम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो वो होते हैं 50 लाख। ठीक है, और कितना है एक बार डिस्चार्ज में है, तो 3 से 3.5 या 4। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि 2 करोड़ आते हैं। 2 करोड़ में से कितना काम करता है? तो 1 काम करता है। ठीक है, अब एक जो काम करता है तो यही प्रक्रिया ही है। ठीक है, अब अंडे के पास रहेगा तो अब ये सोच रहे कि हम जल्दी चले जाए। बीच में अंडा रखा हुआ है और अपनी अपनी जाने की होड़ लगाए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 2 प्रकार के क्रोमोसोम है, एक एक्स है एक वाई है। एक्स वाला थोड़ा ज्यादा कम तेजी से चलता है, उसे समय लगता है, लेकिन वाई वाला ऐसा होता है कि बहुत तेजी से चलता है। तो इसलिए जो है कि लड़के ज्यादा पैदा हो रहे हैं, लड़कियां कम पैदा हो रही है। ठीक है, अब जब एक्स वाला अंदर वाई वाला अंदर चला जाएगा एक्स का पहले से, तो एक्स वाई जो कौन किस जायगोट का निर्माण करेगा, ये करेगा एक एक नर। ठीक है, एक्स वाई मिलेंगे तो एक नर का निर्माण करेंगे और एक्स एक्स मिलेंगे तो एक मादा का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसकी भी आगे अभी डिटेल से बताऊंगा। जंतुओं मादा के अंडा और नर के शुक्राणु ठीक है मिलकर एक एक कर हो जाते हैं, मतलब यही बता रहा है कि अंडा और शुक्राणु जब एक हो जाते हैं तो एक नए जीव का सृजन करते हैं, इसे निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब इस बात के यही है कि अंडा उस पर मिलता है तो एक जायगोट बनता है और इसे निषेचन कहते हैं, और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और एक नए जो है जीव का जन्म। ठीक, ये लाइन हो गई। अब अगर जो नहीं चाहिए, अब यहां तक को आप समझ गए, अब मैं आगे बता रहा हूं कि अगर जो आपको नहीं चाहिए कि हमको जो है हमको नहीं चाहिए बच्चा, तो अब प्रक्रिया ये है। पहली प्रक्रिया ये है कि आईयूडी एक जो ऐसी चिप है, मतलब ये टेम्परेरी, अगर जो आप चाहें कि हम पहले से यूज कर लें और फिर इसके बाद सेक्स करें तो बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? आईयूडी। ठीक है, इंट्रा यूटरन डिवाइस। इस डिवाइस का मतलब ये है कि आप इसे लगवा देंगे तो यह एक टेम्परेरी मेथड है, इसके बाद जो है कोई महिला जो है कुछ समय तक मां नहीं बन सकती। ठीक है, ये अंट्रा यूटेरन डिवाइस है जो लगवा देंगे तो कुछ दिन के लिए आप इसको रुक सकते। ठीक है, अब और आगे बढ़ाइए, बात करते हैं प्रेगनेंट। ठीक है, अब प्रेगनेंट क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं?
और इसकी जो टेक है हमारी इसमें लगी हुई है आगे पीडीएफ में, ठीक है। अब प्रेगन यूज की बात करें तो ये जो है लेडीज इसका यूज करती हैं। अब लिखा भी है, मैंने तो भाई कभी जानता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे समझता हूँ, ठीक है। अब प्रेगन यूज क्या है कि कभी कभार जो स्त्रियां जो होती है इनका मासिक धर्म आया, कभी सेक्स हो गया, तो वो चेक करती है कि ऐसा तो नहीं हम माँ बनने वाली हो या हमारा गर्भ शायद हो गया। तो सुबह सुबह की मॉर्निंग की, अब इसे कैसे यूज करना है ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन इतना पता है कि सुबह सुबह लेडीज क्या करेगी, मॉर्निंग में जगे और पहली बाथरूम में, बाथरूम को दो घूम जाके, ये चिप बनी हुई है आगे की तरफ, दो घूम जाके चिप इसमें दबाएंगे डालेंगी बाथरूम, तो ये लाइनिंग बनेगी, एक लाइनिंग बनेगी। तो इसका मतलब देखो ये लिखा भी हुआ, ठीक है, सुबह की मुख के डालने से पता चलता है दोनों दोनों का लाल होना होना था, ठीक है, ना होना मतलब दोनों लाल होंगी तो इसका मतलब ये है कि वो गर्भ धारण कर सकती है, ठीक है। अब प्रेगन यूज की जो है चिप बनी हुई है तो इसमें सुबह के समय पर मूत्र डालेंगी, अगर जो दोनों लाइनें आ गई तो बधाई, सॉरी फ्रेंड्स, तो इसका मतलब बधाई, अगर जो एक लाइन आई तो आप बच गए, ठीक है। ये जो है प्रेगन यूज की ये होगी, ठीक है। ये चेकअप किस चीज की जाती है, तो HCG ये हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स बताता है कि आपकी बॉडी में कितना मतलब जो है शुक्राणु का वो, ठीक है। और आगे चलिए, अच्छा ये खत्म हो गई, अब ये आगे, अब मैं बात कर, अभी तक आपने जो पता कर लिया, ठीक है, अब पता कर लिया, अब आपको लगा कि हो गया है धोखा, तो आप अब दवा फैला सकते, ठीक है। आपको दवा के अंदर मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बचाव की सलाह दे रहा हूँ, अगर जो मुझसे ये सपोर्ट कर रहे थे गलत बात। एक अनटेंड बहत्तर टेबलेट है या गोली है, अनटेंड बहत्तर मतलब देखो 72 घंटे का औसत था जब जायगोल बना था, तब मैंने बताया था कि अगर जो आप चाहते हैं कि इसे खत्म करना है तो आप कर सकते, अनटेंड बहत्तर ये गोली है आप अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए, ठीक है, लिखा है। लेकिन ज्यादा खाने से डॉक्टर से मना करते हैं, अब अगर जो अनटेंड बहत्तर ये ज्यादा दवा खिलाएंगे तो अगर जो आप ये ज्यादा खिलाई तो डॉक्टर से मना करते हैं कि MC आना बन जाए, ठीक है, इसे कम ही लें मतलब इसे एक नियम के साथ, ठीक है, MC आना बंद हो जाता है, इसमें लिखा है। और पीरियड वाले दिन या 4 से 5 दिन बाद आप इसे दे सकते हैं, ठीक है, जैसे पीरियड आया अगर जो आप लगा कि ऐसा हो सकता है तो आप तुरंत इसे दे सकते हैं, या अगर जो कोई दिक्कत नहीं तो 4 से 5 दिन तक आप इसे दवा दे सकते हैं, क्योंकि 72 घंटे का समय होता है, इसीलिए अनटेंड बहत्तर लिखा हुआ, तो आप 3-4 से 5 दिन तक आप दवा खिला सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 9 अप्रैल 1903 को न्यू जर्सी के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये अनटेंड या अनचाहे गर्भ निरोधक गोली का निर्माण किया, किस डॉक्टर ने किया, कभी पूछ ले कि गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया है, तो वो किया है ग्रेगोरी गुडविन पिंकस ने, पहली जो है कंट्रासेप्टिंग पिल बनाई थी, ठीक है, मतलब पहली ऐसी जो अनचाहे गर्भ निरोधक गोली का निर्माण किसने किया है, तो गुडविन ने किया, ठीक है। सीधे सीधे आप इसी को मान लें, गुड़ का मतलब होता है अच्छा, आपके लिए एक अच्छा रास्ता बना दिया, ठीक है। या ऐसी महिलाओं के लिए गर्भ से जीने के लिए जिनके साथ गलत हो जाता है, और बचाव के लिए भी उनके लिए एक वरदान साबित हुआ, ठीक है। और इन्हीं ने ही टेस्ट ट्यूब बेबी का जो रास्ता ही खोली थी, और पहली बार खरगोशों के साथ में इन्होंने IVF की प्रक्रिया जो है संपन्न करवाई थी, ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए। अगला है संतान निरोधक, ठीक है, गर्भ निरोधक के उपाय, ठीक है। अब देखो मैं ज्यादा तो नहीं बता रहा हूं,
लेकिन थोड़ा सा उपाय बता रहा हूँ, ठीक है। बात करें पहला तो इसमें कंडोम लिखा हुआ है, इसकी जो कभी पूछ ले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहली बात की बार बार नाम लेना अच्छी बात नहीं है, कंडोम लिखा हुआ है और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1832 में चार्ल्स